थाने में उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंका गया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने काफिले पर गोबर फेंका है, एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां फेंकी। कल आपको यह भी बता दें कि बीड में राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर फेंका गया था और अब उद्धव ठाकरे के काफिले पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका है। बड़ी खबर इस वक्त की, एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां भी फेंकी हैं। इससे पहले जब राज ठाकरे का काफिला कल बीड से गुजर रहा था उस दौरान टमाटर फेंकने की घटना हुई थी और आज उद्धव ठाकरे के काफिले को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां उद्धव ठाकरे के काफिले पर एमएनएस के कार्यकर्ता जो गोबर फेंकते हुए नजर आए हैं और जो महिला कार्यकर्ता थी उन्होंने चूड़ियां फेंकी हैं। इस खबर पर और क्या अपडेट है हमारे पास, कृष्णा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, पूरी खबर बताएं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई से सटे ठाणे में। ठाणे में आज उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना यूबीटी के प्रमुख वो पहुंचे थे। शिवसेना यूबीटी जो है वो भगवा सप्ताह मना रही है और लोकसभा चुनाव में हार के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है वो पहली बार ठाणे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है और जैसे ही वो अपने घर से निकले हैं मुलुंड पहुंचे हैं। मुलुंड में जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने उन पर जो है पहले पानी से भरे गुब्बारे उनके काफिले पर फेंके, उसके बाद जैसे ही वो सभा स्थल पर पहुंचते हैं तो जो एमएनएस की महिला कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनको चूड़ियां दिखाई है, साथ ही साथ गोबर उनके काफिले पे फेंका गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बीते दो दिन पहले जब राज ठाकरे बीड के दौरे पर थे, महाराष्ट्र के बीड के दौरे पर थे, तब यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उन पर उनके काफिले पर जो है वो सुपारी फेंका था और ये कहा था कि राज ठाकरे जो है वो सुपारी बाज है। इसी बात से आक्रोशित होकर आज एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के सभा स्थल पर पहुंचने, जैसे ही वो सभा स्थल पर पहुंचते हैं वैसे ही उनको चूड़ियां दिखाई हैं। उसके बाद जो यहां पर जो कार्यकर्ता है यूबीटी के वो काफी आक्रामक है। हालांकि जिन महिलाओं ने उनको चूड़ियां दिखाई थी उनको अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है संजय दीना पाटिल जो कि शिवसेना यूबीटी के सांसद है। सर, आज जो है वो उद्धव ठाकरे के काफिले पर चूड़ियां दिखाई गई, साथ ही साथ गोबर फेंका गया, क्या कहेंगे? नहीं जी, देखिए जो गोबर में रहते हैं उनके हाथ में क्या लगेगा, गोबर ही लगेगा। और जो चूड़ियां पहनते हैं उनके हाथ में चूड़ियां ही रहेंगी ना, तो चूड़ियां और गोबर फेंके हैं अभी वो उसमें क्या बोल। आज ये वाकया हुआ, अभी ये वाकया हुआ, हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सभा है और सभा से पहले उनका एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है जहां पर सोनिया गांधी और शरद पवार के सामने उनको नतमस्तक दिखाया गया। देखिए अभी वो क्या कर रहे थे उसको हम नहीं कर सकते ना, दुनिया को मालूम है शिवसेना क्या है और ठाकरे परिवार क्या है, ये दुनिया को मालूम है। वो शिवसेना सबको, शिवसेना के सामने ठाकरे के सामने सब नतमस्तक होते हैं। शिवसेना और ठाकरे कभी किसी के सामने जरूरत नहीं पड़ी और ना पड़ेगी, क्या किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।